बीते दिनों के रवनीत बिट्टू होरी कौमी इंसाफ मोर्चा के लंघते ने तो उस तो बाद मीडिया के रूबरू होंगे ने पुछ रहे हो मैं वो तो लानत प्रूफ बंदा है उन तो किनिया क लानत पैदा उन्होंने कोई फर्क नहीं ढीठ प्रूफ आ बेइज्जत प्रूफ बंदा वह जरा दादा पुचड़ वा जिन्हें सिखा का खून पीता जिन्हें सैकड़े नहीं हजार नौजवान बर्बाद किए ने इस धरती तो के पी एस गिल वे पुचड़ ना रल के आके गुरु ग्रंथ साहब नमस्कार करता जेड़े वो इदा हाथ जोड़े है फिर वो देखता प्रबंधकों को पुछता भी इतने केड़े प्रबंधक ने कहिंदा भज गए सारे इत्थे ने ये भी क्या कि जो नकली बापू है वह मालिश करा रहा घरे बैठा दूसरा कहिंदा भी बनौटी बापू कभी बनौटी बापू नहीं मानते ना कोई बना वा बापू ओरिजिनल होंगे पुत भी ओरिजिनल होंगे जे ये किसी बाप का कोई ओरिजिनल नहीं गा डुप्लीकेट आ तो फिर मैं कह नहीं सकता मेरे बस नहीं कोई भी घोड़े नहीं भी दाक्षण मिलता कोई तंगी नहीं राजा राज सिंह होना ने निहंग सिंह ने जिहड़े साडे नाल पहले दिन तो तुरे ने जथेदार कुलविंदर सिंह ने पहले दिन तो बैठे ने उन्हां नूं पता कहिंदा लंगर नहीं उत्थे भुखे मरदे ने इहनूं पुछे भी लंगर तेरे घरों आउंदा जां किसी ने मोर्चे चों आ के तैनूं कहा भी बिट्टू जी मैं तो बहुत भुखा मैनूं लंगर छकाओ दूसरा यह कहिंदा भी बंदी सिंह छुट्टणे नहीं बंदी सिंह छुट्टणगे अवश्य छुट्टणगे जिहड़े जिन्हां करके असीं मोर्चा लाया गुरु ग्रंथ साहिब दे पातशाह लई कानून बनाउण लई कि सख्त तो सख्त कानून बने जिहड़ा बेअदबी भी करदा बंदी सिंघां लिहाई रिहाई लई आजाद टीवी दे फेसबुक अते यूट्यूब पेज दे नाल जुड़े होए हो बीते दिनों दे विच रवनीत बिट्टू होरी कौमी इंसाफ मोर्चा दे विच दी लंघदे ने तो उस तो बाद मीडिया दे रूबरू होंदे ने वीडियो दे विच बयान दिंदे ने कि उत्थे कोई लीडर नहीं बैठा पौंड अते डॉलर हत्थां दे विच लैके फरार हो गए ने मोर्चा खाली हो गया इस तरीके की जिहड़ी बयानबाजी की ये भी क्या कि जो नकली बापू है वह मालिश करा रहा घरे बैठा तो असीं गलबात करांगे दूजे पासे एक पटियाले दे विचों वीडियो वायरल होंदी है एक पुलिस नौजवान एक बजुर्ग दे डांगा मारदा नज़र आउंदा है की पुलिस नूं हो गया इस तरीके दे नाल ये कारवाइयां करदे नज़र आ रहे हैं अगर जो कोई गलबात है उस नूं थाने लैके जाओ पुछ लो पर इस तरीके दे नाल कानून नूं आप ही पुलिस हाथ दे विच लै रही है तो फिर सवाल बनते हैं गलबात करांगे कौमी इंसाफ मोर्चा दे विच मौजूद हाँ पाल सिंह फरान साडे नाल ने तालमेल कमेटी दे विचों समझन की कोशिश करांगे सारे चीज़ों को लैके फरान साहब जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह पहला तो यही चीज़ को समझन की कोशिश करांगे पहला जो रवनीत बिट्टू होरी आते हैं कहते डॉलर आ गए हत्थों के पौंड आ गए हत्थों के मोर्चे लग जाते हैं सिर्फ पैसों के लिए किवें देखते हो मालिशा हो जाने घर के बैठ के नकली बापू भी कहते इस तरीके शब्द वरते गए देखो जी मैं तुसीं हुण पुछ रहे हो मैं वो तो लानत प्रूफ बंदा है उन्होंने तो किनिया क लानत पैदा उन्होंने कोई फर्क नहीं ढीठ प्रूफ आ बेइज्जत प्रूफ बंदा उन्होंने बेइज्जती का कोई फर्क ही नहीं वो इतों की लंघिया जे वो लंघिया इतों की पहली गल तो श्री उन्हें हाथ जोड़े कहिंदा भी गुरु ग्रंथ साहिब का तो एक जे सिख है जो माड़ी मोटी वो सिखी सोच हैगी है जे वह घट तो घट होर कोई नहीं होया आनंद घर जरूर गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी होया होना जो जरा दादा बुचड़ वा जिन्हें सिखा का खून पीता जिन्हें सैकड़े नहीं हजार नौजवान बर्बाद किए ने इस धरती तो के पी एस गिल वे पुचड़ ना रल के वो जे वो अंतम संस्कार तो किया गुरु ग्रंथ साहब कितने कताई तो जाता होगा तो वह आके गुरु ग्रंथ साहब नमस्कार करता जेड़े वो इदा हाथ जोड़े है फिर वो देखता प्रबंधकों को पुछता भी इतने केड़े प्रबंधक ने कहिंदा भज गए सारे इत्थे ने हाँ कोई दिने किसी अपने कोई काम लई चले गया जो कोई वकील कोर्ट चले गए जो कोई साडा कोई प्रोग्राम हुंदा असी कोई बाहर गए घंटे दो घंटे नहीं चार घंटे नहीं शाम को तकरीबन सारे इत्थे हुंदे ने सारे दी रहना चलता फिर दूसरा कहिंदा भी बनौटी बापू कभी बनौटी बापू नहीं मानते ना कोई बनाउंदा वा बापू ओरिजिनल हुंदे पुत भी ओरिजिनल हुंदे आ जे ये किसी बाप का कोई ओरिजिनल नहीं गा डुप्लीकेट आ तो फिर मैं कह नहीं सकता मेरे बस नहीं कोई भी बाकी इन्हें जो कुछ कहा मोर्चे पर घोड़े नहीं भी दाक्षण मिलता कोई तंगी नहीं राजा राज सिंह होना ने निहंग सिंह ने जिहड़े साडे नाल पहले दिन तो तुरे ने जथेदार कुलविंदर सिंह ने पहले दिन तो बैठे ने उन्होंने पता उन्होंने पुछ भी सकते राजा राज सिंह ने तो अपनी वीडियो कढ़ी भी है किसी तरह की परेशानी नहीं हाँ कदे दिहाड़ी कोई लेट हो गई ये कहिंदा लंगर नहीं उत्थे भुखे मरते ने इहनूं पुछे भी लंगर तेरे घरों आउंदा जां किसी ने मोर्चे चों आ के तैनूं कहा भी बिट्टू जी मैं तो बहुत भुखा मैनूं लंगर छकाओ इत्थे गुरु की कृपा जिथे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश आ जिथे गुरु नानक नाम लेवा सिख वसदा
उत्थे इहोजिहां भी चवड़ां तुरियां फिरदियां फिरदियां रहन, लंगर की कितें कमी नहीं आती। आ मेरे लागे जिहड़े तुसीं खड़े हो, इत्थे लंगर चाह दा हमेशा लगा रहिंदा। इहदे नाल ही इत्थे लंगर एक पिंड वाले पिंडां चों लै के आउंदे ने। एक लंगर बाबिआं दा, हजूर साहिब वालिआं दा पहले दिन तों लंगर लगा। कदी किसे नूं इत्थे तोट नहीं आई किसे दे, ना तोट आउणी आ, ना इहदे कहिण ते कोई फर्क पैणा। दूसरा इह कहिंदा वी बंदी सिंघ छुट्टणे नहीं, बंदी सिंघ छुट्टणगे, अवश्य छुट्टणगे, जिहड़े जिन्हां करके असीं मोर्चा लाया गुरु ग्रंथ साहिब दे पातशाह लई कानून बनाउण लई, कि सख्त तो सख्त कानून बने, जिहड़ा बेअदबी भी करदा बंदी सिंघां दी रिहाई लई। बहबल कलां गोलीकांड जिन्हां ने कीता, सिंघ शहीद कीते ने उहनां, जिन्हां ने कीते, जिन्हां ने कराए ते जिन्हां ने उन्हां नूं बचाया दोषियां नूं, उन्हां नूं अवश्य असीं जेलां सुट्टांगे। सानूं पूरा यकीन आ गुरु ते ते अपने आप ते। ये मोर्चा लगा होया कोई किसी एक मनुख का मोर्चा नहीं, किसी एक लीडर का मोर्चा नहीं, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के पवित्र सिद्धांत अनुसार लगा, उस जथेदार दे दिशा निर्देशों अनुसार मोर्चा लगा है। कदे समय समय अनुसार वो सानू निर्देश देंदे भी रहिंदे ने। जिहड़े जथेदार नूं 10 लाख के करीब लोगों ने श्री अकाल तख्त साहिब का जथेदार सरबत खालसा ने चब्बे की धरती छापिया, जिन्हें ये दादे बुच्चे नूं इस दुनिया तो परे किया, जिन्हां ने जिस सिंघां ने जिस सिंघ की टीम ने पूरी की टीम ने उस पुच्चों नूं मार के जिहड़ी साडी जिहड़ी दस्तार बचाई है, नहीं तां नौजवान उदों लभणे नहीं। मैं फिर बेनती करां, ओटावा दे विच मैनूं 2-3 मिंट का टाइम मिलिया भी फ्रेंच ते अंग्रेजी च दसो भी पंजाब के हालात की ने, जदों बेअंत सिंह इत्थे CM सीगा, जदों KPS गिल सब तो वड्डा खूनी बंदा जिहदे खून नाल हाथ नहीं पैर नहीं रोम रोम रंगिया होया सी, वह जो ये दोवें बंदे इत्थे मौजूद सानू कहिंदे हालात दसो, क्योंकि उदों आ नहीं सकता कोई, उदों वीजा नहीं सी मिलता। मैं उन्होंने कहा मैं 1.5 मिंट च मुका दाँगा, कल्ली अंग्रेजी फ्रेंच नहीं, मैं जर्मन में भी दसागा की हो रहा। मैं कहा पंजाब के हालात उदों इहो जिहे सन, विदेशी का कोई पत्रकार आ नहीं सकता ही, पिंडां दे विच्चों नौजवान कढ कढ के बसां चों मारिया जांदा है। मैं कहा कोई किसी भी पुलिस अफसर ने कोई पिस्टल चैक करना हो पेंडू एरिए गया, उन्होंने जंगल से जाने की जरूरत नहीं, कोई जानवर तो दरख्त तो फैर कढ़ने की लोड़ नहीं, वो केवल आ सकता पिंड जा सकता, पिंड किसी भी नौजवान कढ के वो अपनी गन चैक कर सकता मार सकता। ये हालात सन, तो इस गल की हाहाकार मच गई। इन्होंने वो हालात देख के जथेदार जगतार सिंह फारा होना की टीम ने उस बुच्चन का खात्मा किया। तो अज जिहड़ा लोग सिंह नौजवान ने जिहड़ी दस्तारा वाले फिरते हैं उन्हां दी बदौलत फिरते हैं। बाकी एक करी कही जावे जो कुछ कहना, इहदी लोगों नूं पता एक किहो जी औलाद वा, किहो जिहा इहदा पिछला खून आ, सारी सिख संगत नूं नानक नाम लेवा नूं पता है। मतलब दूजे पासे असीं पटियाले दी घटना दी गल करना चाहांगे, जिस तरीके दे नाल एक नौजवान पुलिस वाला देख रहा कि किस तरीके नाल बजुर्ग दे उत्ते डंडे मार रहा, वो चीज़ां नूं किवें देखदे हो? वो कहा जा रहा कि ये गुलामी की निशानी है, कहिंदे एवें ही कुट्टणगे कहिंदे आने वाले टाइम दे। देखो मैं पहला पिछे जे भी इत्थे घटना वापरी सी, एक SP ने 2 सिंघां दे थप्पड़ मारे सन। मैं हैरान हाँ कि इहो जिहा कानून आ, जे किसी बंदे ने कोई मान लो गलती की आखे लगा उन्हूं बाहों पकड़न, जो असूल आ उन्हूं जेल में ले जा, उन्हूं हवालात च जा, उत्थे पुछगिछ करन। वो देखी मैं भी वीडियो देखी है, पटियाले शायद बस स्टैंड की है, मे बी रेलवे स्टेशन की है, उत्थे सीधियां डांगा मार लग पैंदे ने, किहो जिहा हद होगी। इदां दा जंगल दा राज मेरा ख्याल नहीं किसी दुनिया के मुल्क दे होवेगा जंगल दा राज। जिस पुलिस तो बंदे ने न्याय की आस रखनी आ, जां बाहर विदेश में ही रहे हैं, जो किसी असी गुमा जाना रास्ता ना लभना असी पुलिस वाले नूं हस देना, कई बार उन्होंने गड्डी पछाउणा, कई बार सानूं दसना कि आह तरीका कर, इदा तुसीं जाओ इदा जाना। उत्थे लोगों नूं राहत मिल जाती सी जदों कोई पुलिस अफसर आउंदा सी, लै वी हुण सब मेरी तंगी खत्म हो गई है। इत्थे लोगों जे ऐसे गल दा डर है, कदे कोई एक्सीडेंट कोई हो जाए, कोई होर हो जाए, लोग डरदे नहीं तां नहीं कोल खोंदे, पुलिस ने साडे ते परचा कर देना। तो आदा सिरे तो परे गुंडा करदी आ, ये अनमनुखी तशद्दुद आ जिहड़ी पुलिस करदी, करना चाहीदा। इहदे नाल ही पुलिस की छवि खराब हुंदी है, लोगों के जिहड़ा विश्वास लोगों का माड़ा मोटा बनिया इस यूनीफॉर्म तो जिहड़ी ये पाउंदे ने वो टुट जांदा, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वड्डिया मेरी बेनती है वड्डिया अफसरां नूं अधिकारियों उस अफसर के उत्ते तुरंत एक्शन करके उन्हूं जिहड़ा सस्पेंड करना चाहिए, उन्होंने परिवार को न्याय दवाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया पाल सिंह फ्रांस साडे नाल सी, गलबात की है जिस तरीके घटना हुई है पटियाला दे विच, उस उत्ते भी जिहड़ा इन्होंने अपना पक्ष रखिया कि इस तरीके दे नाल होना चाहिए। दूजे पासे रवनीत बिट्टू होरी इत्थों लंघदे ने, उन्होंने भी जवाब दिता। कैमरा सहयोग दी सी शिवा, धन्यवाद।